मैं डॉक्टर चारू अग्रवाल, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, गाजियाबाद। एक टेस्ट जो हम बहुत रूटीनली अपने लैब में करते हैं, फाइनेटल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC, उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। ये टेस्ट तब करा जाता है जब शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गांठ या सूजन मिलती है। ये गांठ कई बार शरीर में ऊपरी स्तर पर होती है, जो कि आँखों से दिखाई देती है। कई बार ये थोड़ा नीचे होती है तो सिर्फ हमें महसूस होती है, और कई बार ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड में ही डिटेक्ट होती है। गांठ कहीं भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसका FNAC से उसकी जांच करी जाती है, उसकी एक डायग्नोसिस बनती है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होता है। जो ये गांठें होती हैं, ये अधिकतर आपको शरीर में, नेक एरिया में, थायराइड में, ब्रेस्ट में, एब्डोमन में मिलती हैं। वैसे ये कहीं भी पाई जा सकती हैं। ये गांठें बनती क्यों हैं? ये गांठों बनने का कई कारण हो सकता है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है तो एक सिस्ट बन जाती है। कई बार इन्फेक्शंस में, ट्यूबरक्लोसिस में भी ये गांठें बन जाती हैं, और कई बार ट्यूमर्स में गांठें बनती हैं, जिसमें कि बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। बिनाइन यूजली फैलता नहीं है, अपनी जगह ही रहता है, और जो मैलिग्नेंट या कैंसर वाले केसेस होते हैं वो फैलते हैं। तो किसी भी तरह का इन सब कारणों से गांठें बनती हैं, जिसका कि हम जो है उसका डायग्नोसिस FNAC के थ्रू बनाते हैं। ये प्रोसीजर किस तरह से करा जाता है? ये जो प्रोसीजर होता है, इसमें एक पतली सी नीडल गांठ में डाली जाती है, फिर उस गांठ के कुछ सेल्स हम उस नीडल से खींच लेते हैं, जिसकी एक स्लाइड बनती है, और स्लाइड्स को हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करके उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। अगर गांठ दिखाई दे रही है तो एक सिंपल FNAC प्रोसीजर हो जाता है, और अगर किसी कारण से गांठ अंदर है या नीचे स्तर पर है तो फिर वो अल्ट्रासाउंड की मदद से उसकी हम FNAC करते हैं। इस वाले प्रोसीजर के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। आप दिन में कभी भी आके इस प्रोसीजर को करा सकते हैं। इसमें मुश्किल से 5 मिनट्स लगते हैं। इसमें बॉडी में कोई स्कार नहीं बनता, ना ही कोई हॉस्पिटल स्टे करना पड़ता है। आप अपना रूटीन में सारा काम कर सकते हैं। मामूली सा दर्द होता है जो कि शाम तक सबसाइड हो जाता है, और ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं है। लेकिन इस प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं सोसाइटी में, जैसे कि कई लोगों को लगता है कि मुझे तो दर्द नहीं है इसमें, या ये तो बहुत ही छोटी गांठ है। तो ऐसा नहीं है। छोटी से छोटी गांठ, 1 सेंटीमीटर तक की गांठ का भी ये जांच हो जाती है। और अगर पेन नहीं है तो कई सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर की, मतलब वो पेन नहीं होता है लेकिन वो ट्यूमर्स होते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को दर्द नहीं है, मैं क्यों जांच कराऊं। जैसे ही कोई गांठ डिटेक्ट हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे उसमें दर्द हो या ना हो, आपको तुरंत हॉस्पिटल में उसकी जाँच कराने आना है, और जिससे कि उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बन सके। मैं फिर से इस बात को एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि आप किसी भी तरह से इस अपनी बॉडी में किसी गांठ को नेग्लेक्ट ना करें, उसको उसकी तुरंत जाँच कराएँ, क्योंकि कैंसर के केसेस में बहुत हेल्पफुल है। अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो कैंसर का क्योर रेट बहुत हाई है, और सर्वाइवल रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आपकी एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगी तो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो पाएगा।